हेलो, मैं प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको आमी, धनिया और पुदीना की चटनी बनाना बताऊंगी। समर सीज़न में जब आमी आती हैं तो उस समय चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए मैंने अदरक लिया है कटा हुआ, हरी मिर्च कटी हुई, ये पुदीना है, इसको मैंने अच्छी तरीके से इसके पत्ते निकाल लिए, डंडियाँ नहीं रहनी चाहिए, और इसको धोकर इस तरीके से तैयार कर लिया है। धनिया ये भी अच्छे से साफ करा हुआ है, धुला हुआ। नमक, नमक हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे, वैसे चटनी में थोड़ा नमक तेज़ी डलता है। हींग करीब आधी चम्मच इसमें हींग डालेंगे। एक चम्मच साबुत जीरा, दो चम्मच सूखा धनिया डालेंगे पिसा हुआ, क्योंकि इन सब मसालों को डालने से बहुत चटनी टेस्टी बनती है। ये आमी कटी हुई है, तीन आमी है, जिस तरीके से मैंने इनको छीलकर काटकर तैयार कर लिया है। अब सभी चीज़ों को हम मिक्सी में लेंगे जार में और इसको हम पीसेंगे। ये देखिए, पिसने के बाद इस तरीके से चटनी बनकर तैयार है। इसे आप गरम गरम पकौड़े के साथ खा सकते हैं, चीलों के साथ बनाकर खा सकते हैं। यह चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके अलावा आंवले और पालक की भी चटनी बनती है, क्योंकि हर चटनी जो है वो सीज़न के हिसाब से होती है, किस और सीजनल चटनी ही फ़ायदा करती है। इस चटनी को भी हम और कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम पानी बनाने में, जलजीरा बनाने में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।